दोस्तों हमारे पास आ चुका है फायरबोल्ट का एक नया वॉच, फायरबोल्ट डैगर। और डैगर एक्चुअल में एक वेपन का नाम होता है। और ये वाली वॉच लीड कर रहे हैं हमारे कैप्टन साहब, एक्स कैप्टन नहीं भाई, ये ऑलवेज आवर कैप्टन है। और इस वाली वॉच में 1.43 इंच की राउंड डिस्प्ले मिली है, एमोलेड डिस्प्ले पैनल है ये। नॉर्मली 1.3 के राउंड मिलती है आपको, तो अगर आपको बड़ी वॉच चाहिए फायरबोल्ट ने आपके लिए जुगाड़ बैठा दिया है। 178 डिग्री व्यूइंग एंगल से इसके अंदर, मतलब ज्यादा अच्छी डिस्प्ले मिलने वाली है। ओ भाई, तो एकदम हेवी सी वॉच लग रही है। और इसको यहाँ से कर देते हैं पील ऑफ। फायरबोल्ट की ब्रांडिंग आ चुकी है और वॉच का डिस्प्ले काफी ज्यादा बड़ा सा लग रहा है यार देखने में। बॉक्स के अंदर स्ट्रैप मिल जाएगा, ये चार्जिंग केबल है और फायरबोल्ट की खूब सारी पत्रिका। ऊपर में यहाँ पे आपको लेदर वाला टेक्सचर है, लेकिन है ये एक सिलिकॉन स्ट्रैप। और ये वॉच का फाइनल लुक लग तो काफी प्रीमियम रहा है। और अगर आप नोटिस करोगे वॉच का डिस्प्ले एमोलेड है, लेकिन ये एक पूरा एज टू एज डिस्प्ले है, बिल्कुल भी इसमें बेजल नहीं दिख रहा है। और मुझे सच में बहुत प्रीमियम लगा। एक बार टीम को भी दिखाते हैं। सबसे पहले हम लोग सबसे इम्पोर्टेंट इंसान माधव का चलो माधव छोड़ो, गजब बेइज्जती है ऋषि भाई। डिस्प्ले तो इसका बहुत सही है, बेजल्स तो भाई नाक के बराबर है इसके। वॉच तो मेरे को देखने वाइज बहुत प्रीमियम लग रहा है, नो डाउट, बट हेवी इज प्रीमियम। सो ओवरऑल वॉच सबको ही काफी अच्छी लगी। और सबसे अच्छा लगा मुझे इसका डिस्प्ले लगा और ये जो कम्फर्टेबल सा सिलिकॉन स्ट्रैप है। और इस वाले डिजाइन को आप हमेशा कैरी कर सकते हो, ऑफिस में हो गया, कहीं पार्टी वार्टी में, या फिर ऐसे कूल देखने के लिए भी। और वॉच के सारे मक्खन फीचर्स को यूज करने के लिए आपको फिर क्लाउड प्रो करके एप्लीकेशन होगा, इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो एप्लीकेशन के थ्रू आप पूरा वॉच कंट्रोल कर सकते हो, जैसे कि वॉच फेस इसमें काफी सारे मिल जाएंगे। मुझे ये वाला पसंद आ गया। सो सिंक स्टार्ट हो चुका है और वॉच में भी यहाँ पे सिंक दिख रहा है और यहाँ पे सिंक कंप्लीट हो चुका है। कितनी ज्यादा सही डिस्प्ले है इसकी। अभी डिस्प्ले को फुल ब्राइटनेस में कर देते हैं और अगर मैं इसको डायरेक्ट लाइट के करीब रखता हूँ तो भी वॉच की विजिबिलिटी बिल्कुल भी कम नहीं होती है। अभी मैंने सीधा रखा हुआ है और इसको मैं भी टिल्ट कर रहा हूँ, कलर शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं हो रहा है यहाँ पे। एक बार इसका हार्ट रेट सेंसर भी देख लेते हैं कितना ज्यादा एक्यूरेट है। तो सबसे पहले अपने दिल का हाल पूछ लेते हैं, क्या सही बता पाएगा। वैसे मेरे दिल का हाल सबसे अच्छा एप्पल वॉच बता है, तो इसी से कंपैरिजन कर लेते हैं। भाई एप्पल वॉच ने बोला 104 बीपीएम आ रहा है, 95 दोनों में सेम आ चुका है, 92 दोनों में सेम आ रहा है, तो ऑलमोस्ट दोनों आसपास ही चल रहे हैं। और अभी फायरबोल्ट वाइब्रेट करके बोल दिया 97 बीपीएम चल रहा है मेरा। जितनी भी बजट वॉचेस होती है इसके ऊपर आप हेल्थ ट्रैक पे बहुत ज्यादा भरोसा नहीं कर सकते हो, लेकिन दिल का हाल मोस्टली सारे अच्छा बता देती है। और ये फायरबोल्ट की वॉच ने भी काफी सही रिजल्ट दिया मुझे। और एक्स्ट्रा फीचर्स में यहाँ पे आपको स्लिप ट्रैक भी कर लेगा, ये वेदर बता रहा है 24 डिग्री सेल्सियस सनी। और अगर आप म्यूजिक सुन रहे हो तो यहीं से आप म्यूजिक कंट्रोल कर सकते हो। देखो भाई पॉज हो गया, प्ले हो गया, नेक्स्ट और एक बार देखो वॉल्यूम बढ़ा रहे हैं। इसका म्यूजिक मोड काम तो प्रॉपर कर रहा है, लेकिन इसमें कोई भी एनिमेशन नहीं, ना ही सॉन्ग का नाम लिखते हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट डेफिनेटली किया जा सकता है, ये मुझे अच्छा लगा। बाकी जो क्विक पैनल है आप इसको भी कस्टमाइज कर सकते हो, इसके अंदर आप वर्कआउट मोड को भी ऐड कर सकते हो। और वर्कआउट मोड की बात करें इसके अंदर सारे के सारे स्पोर्ट्स मोड मिल जाएंगे आपको यहाँ पे, योगा से लेके रनिंग तक। तो एक बार इस पर रनिंग ट्राई करते हैं। आज दोस्तों आज कार्डियो हम अपने स्टूडियो में कर लेते हैं, इसकी बढ़ा लेते हैं दोस्तों। रनिंग के टाइम पे एक हार्ट रेट बता रहे हैं और एक आपको यहाँ पे स्टेप्स काउंट हो रहा है। दौड़ने के बाद थोड़ा थकान तो हो ही जाती है। ऑक्सीमीटर के अंदर आपको 103 बीपीएम आया है, लेकिन वॉच के अंदर 127 के अराउंड ही आ रहा है, तो उतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है, बट आपको थोड़े बहुत डेटा इसके अंदर मिल जाएंगे। और ये वाली वॉच आपको कॉलिंग फीचर का भी सपोर्ट मिलता है। वॉच के टॉप पे माइक मिला है आपको और लेफ्ट साइड में यहाँ पे आपको स्पीकर मिला है। माइक इन स्पीकर को ऐसा अलाइन किया गया कि इसके डिजाइन को बिल्कुल डिस्टर्ब नहीं कर रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है आपको एक सिंगल ब्लूटूथ कनेक्ट करना पड़ेगा, जिससे ऑटोमेटिकली इसका कॉल स्विच होता रहता है, बहुत कन्वीनियंट रहता है आपको यूज करने में। यहाँ पे टेलीफोन मिल जाता है, यहाँ से नंबर डायल कर सकते हो और कॉन्टैक्ट पर्सन मिल जाएगा जो आप एप्लीकेशन में फेवरेट कॉन्टैक्ट से ऐड कर सकते हो। सभी मैं माधव से बात करूँ, एक्चुअली में कैसा आवाज आ रहा है भाई, वॉल्यूम फुल है। आवाज तो ठीक आ रही है, बट थोड़ा लग रहा है दूर से बात कर रहा हूं। थोड़ा दूर से बात कर रहा हूं। अब सही आ रही है आवाज। आवाज तो सही आ रही है, बट वो एक्चुअल आवाज आपकी फील नहीं आ रही, मतलब बोल्डनेस नहीं, थोड़ा सा रोबोटिक आवाज लग रहा है ना। ओके okay. और ऐसे कुछ सिंपल यूआई देखने को मिलेगा आपको, यहाँ से वॉल्यूम कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ से म्यूट भी कर सकते हो और यहाँ से हैंग अप। तो ऑल इन ऑल बिना जेब्स निकाले हुए फोन आप इस पे कॉल ले सकते हो और कॉलिंग प्रॉपर हो जाएगी। ऑल इन ऑल मुझे वॉच स्मूथ लगी, लेकिन आपको यहाँ पे फायरबोल्ट 60 हर्ट्ज क्लेम कर रहा है, जो कि डेफिनेटली 60 हर्ट्ज पैन तो फील नहीं हो रहा मुझे। यहाँ पे शायद अपडेट के बाद इसको और स्मूथ कर सकते हैं, लेकिन वॉच यूज करने में बिल्कुल भी कोई इशू नहीं हो रहा है। और यहाँ पे आपको काफी सारे एक्स्ट्रा फीचर्स मिल जाएंगे, जैसे कि फीमेल हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। अगर आप सुबह में 3-4 मिनट का ब्रीथ ट्रेनिंग करोगे भाई, क्या मस्त मजा आता है, मतलब माइंड काफी स्ट्रेस फ्री हो जाता है। मेरा भी माइंड आप स्ट्रेस फ्री कर सकते हो। नीचे सब्सक्राइब बटन है उसको दबा के और लाइक भी कर देना वीडियो को, काफी ज्यादा स्ट्रेस कम हो जाता है मेरा। वैसे आप जब ऊपर से स्क्रॉल करोगे यहाँ पे वो कंट्रोल पैनल खुल जाएगा, यहाँ से आप सेटिंग्स में जा सकते हो। सेटिंग से आप सबसे अच्छी बात वाइब्रेशन इंटेंसिटी को कंट्रोल कर सकते हो। इसका वाइब्रेशन सच में काफी स्ट्रॉन्ग सा फील होगा आपको। और आपके मोबाइल के जितने भी नोटिफिकेशन है नीचे से स्क्रॉल करो सारे नोटिफिकेशन आ जाएंगे। एक बार इसका वेट भी देख लेते हैं भाई, 69 ग्राम का मिलेगा।
मिलेगा आपको यहाँ पे कहीं से भी देखो दोस्तों 69 नंबर अगर आ गया तो मतलब वॉच सच में काफी तगड़ी है। इतना स्वीट वेट पॉइंट बनाया है कि डेफिनेट कंफर्टेबल लगेगी। और अगर इसके बैटरी के बारे में बात करें 400 एमएच की बैटरी मिली है आपको इसके साथ, इसीलिए वेट थोड़ा सा बढ़ गया। लेकिन 400 एमएच बैटरी के साथ फायरबोल्ट 15 डेज क्लेम कर रहा है विदाउट कॉलिंग। लेकिन अगर ये 7 to 8 डेज भी चला जाता है तो ये बहुत प्रॉपर कहूंगा मैं, क्योंकि इतना ज्यादा बैटरी लाइफ आजकल नहीं मिल रहा है। कॉलिंग वॉचेस में थोड़ी कम बैटरी लाइफ होती है। डेफिनेटली डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड इसकी बहुत ज्यादा तगड़ी लग रही है। और अगर इसकी प्राइसिंग 3500 रुपीज के अराउंड आती है तो डेफिनेटली इसको आप जाके ट्राई कर सकते हो, ले सकते हो। बट वॉच की हेल्थ ट्रैकिंग मुझे उतनी ज्यादा एक्यूरेट नहीं लगी, तो वहां पे आपको देखना पड़ेगा। अगर आपको बहुत अच्छी एक्यूरेट वॉच चाहिए तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा, लेकिन डिजाइन, डिस्प्ले और बिल्ड क्वालिटी तगड़ी चाहिए तो डेफिनेटली इसको मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ। और वॉच का बेस्ट बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन डाल देंगे, उसको आप चेकआउट कर लेना और वहां पर आपको एक्यूरेट प्राइसिंग पता चल जाएगी इसकी कितने में लॉन्च हुआ है। मिलते किसी और नए वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड जय हिंद।